सेवन्थ डे है, तो सेवन्थ डे पे मुझे मिला है डे ऑफ, और क्या क्या हुआ इन 6 दिन के बीच में, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। Hey everyone, welcome to my new vlog. So, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस व्लॉग में मैं क्या करने वाला हूँ, थंबनेल देख लिया आपने, बट मैं स्टिल आपको बता देता हूँ कि आज के व्लॉग में डे फर्स्ट है मेरे शिफ्ट का, मतलब पिछले 10 दिन से कुछ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर आना था और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स थी, लाइक मैंने काफ़ी लेट अप्लाई किया था ग्रीस के लिए। सो अभी जस्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे, आज वहाँ जाके चीज़ों को इन्जॉय करते हैं और अपना एक्सपीरियंस लेते हैं फर्स्ट डे का कैसा है कैसा नहीं। खैर अब मैंने अपने फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस तो शेयर कर दिया है, अगर आपने वीडियो देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाके देख लो। सो चलते हैं फटाफट शिफ्ट पे, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है शिफ्ट पे पहुंचने के लिए। अभी जाके मैं लंच करूंगा, लंच करने के बाद मैं वहाँ पे बैठूंगा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ एंड ट्राई करूंगा कि कम से कम 10-15 मिनट पहले ही मैं एंट्री कर लूँ किचन में, वहाँ जाके क्या क्या काम होता है, कैसे कैसे करना होता है, कितना ज़्यादा प्रेशर होता है कितना नहीं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। वैसे किचन में आई थिंक वीडियो अलाउड नहीं है, अगर टाइम मिला तो मैं बना भी लूँगा और अगर टाइम नहीं मिला तो नहीं बना पाऊँगा। फिर मैं रात को जैसे शिफ्ट खत्म होगी उस टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2 hours later सारी कटिंग करने के बाद अब चला मैं टमाटो लेने, तो दिखाते हैं क्या क्या है। ये है इनका फ्रिज, टमाटोज, चलो जी रात के बज गया 10:30, दोपहर को 2 बजे से शिफ्ट स्टार्ट हुई थी और रात के बज गए 10:30 और बस अभी मेरी शिफ्ट ओवर हो गई है सारी, मतलब क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बस अब निकला हूँ मैं घर के लिए, मतलब अपने अपार्टमेंट के लिए। सो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपके साथ मॉर्निंग में शेयर करते हैं, अभी जाके बस सोएंगे क्योंकि थोड़ा मैं थक चुका हूँ और जो ये लोग काम है 8-8.5 घंटे करवाते हैं, 8 से 8.5 घंटे। तो चलो चलते हैं घर पर अपने अपार्टमेंट में और वहाँ जाके सोते हैं और मॉर्निंग में आपके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। 1 week later हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो अभी दोपहर हो चुकी है, बात की जाए फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस की, तो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ठीक रहा, काफ़ी अच्छा रहा, मतलब किसी ने रोक टोक नहीं करी, कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। बट अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज 7th day है जो कि डे ऑफ है, जो कि छुट्टी है आज मेरी। सो इतने टाइम से मेरे को टाइम नहीं मिला, 6 दिन से टाइम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि जब मेरे को छुट्टी मिलेगी जो मेरा 7th day होगा, उस दिन टाइम निकाल के स्पेशल एक एक्सपीरियंस वीडियो भी बनाई जाएगी कैसे काम होता है कैसे नहीं होता। होता क्या है कि स्टार्टिंग में ये लोग आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं, लाइक मेरे साथ जो जो हुआ था, मैं रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी कोई दोस्त का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा, कोई कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपने रियल एक्सपीरियंस पर भरोसा करता हूँ चाहता, और मैं ये चाहता हूँ कि लाइक मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन तक वो एक्सपीरियंस पहुंचे जो कि उनके भाई पे बीत चुका है और बीत रहा है। तो यही है कि लाइक जो रियल एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस ये है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे उन्होंने मेरे को इतना कुछ नहीं कहा, जो काम बोला मैंने कर दिया। एट द एंड क्या हुआ, थोड़ी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, क्योंकि मैं लाइफ में मैंने कभी जॉब नहीं करी और 6 days से मैं डेली फुल पोटेंशियल से काम कर रहा हूँ, पूरी जान लगा के काम कर रहा हूँ, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा होता है हमें, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं किचन असिस्टेंट की पोस्ट पर हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे चॉपिंग भी होती है, वेजिटेबल कट भी करने होते हैं, सब कुछ करना होता है, और जब सब कुछ हो जाए, शाम हो जाए, डिनर भी कंप्लीट हो जाए सबका, उसके बाद हमें क्लीनिंग भी खुद से करनी होती है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद जब हम घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लाइक 3-4 दिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट लास्ट के जो 2 दिन थे, अगर मैं कल रात की बात करूँ, कल रात को 6th day थी, कल रात अगर मैं कल की बात करूं तो कल मेरे को 6th day था अपनी इंटर्नशिप वर्क में, मतलब अपने जो किचन असिस्टेंट का वर्क मैं कर रहा हूं होटल में उसमें, तो लास्ट के 2 दिन में इन्होंने बहुत काम करवाया। काम करवाने का मतलब ये नहीं कि लाइक इन्होंने बहुत प्रेशर दिया, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की छुट्टी थी मॉर्निंग टाइम में, तो उनका काम भी मुझे करना था, तो मेरी शिफ्ट थी मॉर्निंग में, तो मतलब मेरे को काफ़ी काम मिल, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा काम मिला है,
क्योंकि उस टाइम पे अकेले बंदे को, सिंगल बंदे को 4 से 5 आइटम संभालनी पड़ती है एक बार में, और इतने सारे कस्टमर्स होते हैं कि बस बंदे यहाँ खड़ा है, ये यहाँ से कुछ ये बना रहा है, कुछ ये बना रहा है, कुछ ये बना रहा है, फटाफट बना के ट्रे में डाल डाल के रखे जा रहा है, और फिर वहाँ पे कोई चिकन है, कोई कुछ चीज़ का, मतलब कोई भी चिकन है, फिर कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ है, तो उसको कट करके सर्व भी करना है सामने कस्टमर को, तो मतलब अकेले बंदे पे प्रेशर होता है। तो वो काम मैंने करके देखा, मुझे लगा कि यार ये काफ़ी प्रेशराइज काम है। उसके नेक्स्ट डे मेरी जो शिफ्ट थी वो शिफ्ट टाइमिंग अलग थी, जो कि मेरी सेम डे चल रही थी, मतलब आफ्टरनून के आफ्टरनून टू नाइट वो मेरी शिफ्ट चल रही थी, तो अभी भी मेरी वो शिफ्ट चल रही है। सो कल ऐसा था कि लाइक मैं अकेला ही था, अकेला ही मैं कर रहा था, दो शेफ थे और एक मैं था अकेला, हम तीन बंदे संभाल रहे थे किचन को। एट द एंड सब कुछ होने के बाद शेफ वगैरह चले गए थे, क्योंकि शेफ का मेन काम है बनाना, और क्लीनिंग वगैरह का हमारा होता है, जो स्टूडेंट होते हैं और जो बंदे वहाँ पे वर्क परमिट पे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं उन पे होता है सब कुछ, तो उनको क्लीनिंग करना होता है, जो नीचे का फ्लोर होता है वो लोग क्लीन कर रहे थे, जो वहाँ पे डिश वॉशर थे, जिनका काम डिश वॉशिंग का है, वो लोगों से क्लीनिंग करवाई जा रही है, ठीक है। और मेरा काम जो था, मतलब मैं अपने जो टेबल्स वगैरह होते हैं वो तो मैं क्लीन करके आ रहा था, टेबल्स हो गए, ओवन हो गए, जो भी है, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें, वो सारी मुझे क्लीन करनी थी, क्लीन मतलब धोना नहीं, बस उस पर अच्छे से कपड़ा मार के उसको रगड़ के साफ़ कर देना, कि हाँ उस पर कोई कीड़े मकोड़े ना आए, कुछ ना आए। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद, मतलब 6 दिन का एक्सपीरियंस एक वीडियो में शेयर कर दूँ, तो ये है कि स्टार्टिंग की जो आपने क्लिप्स देखी वो फर्स्ट डे था, एंड उसके बाद जो अभी आप देख रहे हो ये 6th डे का एक्सपीरियंस है। कि रियलिटी है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब मेरे को ये समझ आ गया है कि फॉरेन कंट्रीज़ में 2 डे ऑफ क्यों होते हैं, 2 दिन हॉलीडे क्यों होते हैं, और 5 दिन काम क्यों होता है। मेरे ख्याल से 5 दिन काम और 2 दिन छुट्टी इसलिए होती है क्योंकि 5 दिन में ही इंसान से इतना काम करवा लिया जाता है कि उसको 2 दिन रेस्ट तो चाहिए होता है। बट यहाँ पे मेक्रोपोली होटल में 6 दिन काम करना है और 1 दिन हमारी छुट्टी है, तो वैसे ही 1 दिन छुट्टी होती है और 6 दिन हमें काम करना होता है, और काम मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि लाइक जैसे अभी देखो स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट जब आता है न्यू उसको चीज़ें सीखनी होती है, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। अब मैं हूँ, मेरे को नहीं आती कुछ भी चॉपिंग वगैरह करनी, मैं किसी होटल मैनेजमेंट के कोर्स से भी नहीं हूँ, मेरा जो कोर्स है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, BBA, होटल मैनेजमेंट की लाइन में गया हूँ सीखने के लिए, कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए। स्टूडेंट को पैसे भी कम देते हैं, मतलब जो नॉर्मल सैलरी होती है, जो पे रेट होता है नॉर्मल, उसका 50% ही स्टूडेंट को मिलता है, बट स्टूडेंट से काम भी ज़्यादा करवाया जाता है, और मतलब यही है कि लाइक एट द एंड काम ज़्यादा होता है, जो कि सबको पता होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि लाइक इंटर्नशिप इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। इंटर्नशिप मतलब है, अगर आप होटल में आपकी इंटर्नशिप लगी है उसका मतलब है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा काम करवाया जाता है। सो ये चीज़ थी जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि पिछले 6 दिन का एक्सपीरियंस इसी वीडियो में मैंने शेयर किया आपके साथ। सो आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा कैसे इंटर्नशिप में, जो होटल्स की इंटर्नशिप होती है उनमें कैसे कैसे काम होते हैं, कैसे कैसे नहीं। मैंने एक आधी वीडियो भी मतलब क्लिप ऐड करी है, जो कि मैंने किचन की कभी कुछ कट करते हुए बनाई थी, वैसे तो अलाउड नहीं है फ़ोन, बट स्टिल मैंने आपको बताया, तुम्हारा भाई अगर कोई वीडियो शूट कर रहा है तो कोशिश कर सकता है कि जहाँ तक कैमरा जा सके वहाँ तक मैं कैमरे को ले जा सकूँ, वहाँ तक जाके मैं कैमरे को शूट कर सकूँ, और यही है। और अगर कोई वेजिटेरियन बंदा है और किसी भी होटल में आ रहा है, यूरोपियन होटल में एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय वर्क परमिट पे, या फिर अगर एक स्टूडेंट भी इंटर्नशिप करने जा रहा है, तो अगर वो वेजिटेरियन है तो ये सोच लो कि लाइक वेजिटेरियन आपको प्रॉपर मील नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रॉपर मील बनती भी नहीं है। और अगर मैं बात करूँ स्वाद की, तो भाई स्वाद कुछ नहीं होता, पूरे दिन काम करने के बाद भी जब खाना मिलता है तो खाने में कोई स्वाद नहीं होता, लाइक 2-3 चम्मच इंसान खाता है खाना और उसके बाद हम फेंक देते हैं, क्योंकि कोई स्वाद नहीं होता, मन मर जाता खाना खाने से। बट स्टिल कोई बात नहीं, छोड़ो, बाकी इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं न्यू वीडियो में और न्यू व्लॉग में। सो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और न्यू व्लॉग में आपको मैं अपना और एक्सपीरियंस बताऊँगा। एक्चुअली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर होटल में ऐसा नहीं है, बट हमारे होटल में ऐसा है कि इस टाइम पे आई डोंट नो क्यों कैसे ये 1-2 दिन सिखाते हैं, उसके बाद तीसरे जो तो चौथे दिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यू हैव टू डू दिस। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि आपको ये करना है, और अगर आप गलत करोगे एक बार दो बार समझाएंगे, थर्ड बार सीधा के सीधा फायर कर देंगे, निकाल देंगे काम से।
और निकालने के बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स को भी निकाला है, उनकी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब उनको उस एजेंसी को अराउंड 400 से 500 यूरो पेनल्टी भी देनी पड़ रही है, क्योंकि एजेंसी का कहना है कि अगर आप होटल में काम करने गए हो और होटल में काम नहीं कर रहे, अगर आप वहाँ से क्विट कर रहे हो तो तुम्हें पे करना पड़ेगा 400 to 500 यूरोस पेनल्टी। बट हमारा क्वेश्चन ये था कि हम क्यों पे करें। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे न्यू वीडियो में। अगर ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता है तो एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और पूरा बताऊंगा कि कौन सी एजेंसी थी जिनके मैं थ्रू आया हूँ, कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे नहीं, हमने उनको कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था और अब वो पे वापसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और वो हमसे कितनी मांग कर रहे हैं, पेनल्टी वगैरह कितनी मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें न्यू वीडियो में बताऊंगा। अगर ऐसा अगर मेरे साथ होता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स को फायर कर दिया है, निकाल दिया है होटल से, और हो सकता है हमें भी निकालें, और जैसे ही मुझे निकालेंगे तो आपको पता है तुम्हारा भाई वीडियो बनाने में तेज है, वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे और उसके बाद आपका काम है उस चीज़ को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाना कि रियलिटी क्या होती है। और ये क्रेटे जो आइलैंड है, जो कि ग्रीस में आइलैंड है, क्रेटे, हेरेक्लियन नाम है वैसे इसका, तो यहाँ पे जो अटलांटिक का मिक्रीपोली होटल है उसमें कैसा बिहेवियर है स्टाफ का, कैसा नहीं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, जिस वीडियो में हम एजेंसी की बात करेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं आपसे न्यू किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में आप अपना कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हो। अगर आपको कमेंट में रिप्लाई जल्दी ना मिल पाए सो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ जाके आप मुझे मैसेज करके अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि 24 to 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए होते हैं तो हर पर्सन को पर्सनल मैसेज कर पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ, मैं हर पर्सन को रिप्लाई करता हूँ। और अगर किसी पर्सन का रिप्लाई नहीं भी कर पाए हूँ अभी तक, एक बार मैसेज कर देना, मैं ज़रूर मैसेज का रिप्लाई कर दूँगा। सुनते हैं न्यू वीडियो में, और न्यू वीडियो का मुझे भी वेट है कि मैं कब बनाने वाला हूँ, और ऑब्वियसली बात आपको भी वेट होगा क्योंकि उसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब काफ़ी चीज़ें बताने वाला हूँ, किस एजेंसी के थ्रू मैं आया हूँ, किस एजेंसी, कौन सी एजेंसी ऐसा कर रही है, और कैसे कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, और मतलब ऐसा क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, जिस वीडियो की ज़रूरत सारे स्टूडेंट्स को है, जो भी पर्सन इंटर्नशिप पे आ रहा है उससे पहले उसे पता लग जाए कि हाँ अगर मैं इस एजेंसी के थ्रू जाता हूँ तो जैसा गौतम भाई के साथ हुआ है, जैसा गौतम भाई के दोस्तों के साथ हुआ है, वैसा मेरे साथ ना हो तो मैं उस चीज़ को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उस एजेंसी के थ्रू जाना। बट सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या क्या नहीं। हिट एंड ट्रायल आपका भाई कर रहा है, टेंशन नॉट, हिट एंड ट्रायल करके जो सोल्यूशन आएगा वो आपको दिखाया जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके कमेंट और आपके शेयर से काफ़ी पावर मिलती है, काफ़ी सारे लोगों तक वीडियो पहुंचती है, बहुत अच्छा लगता है। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।